हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अशासकीय विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इसके अतिरिक्त आपने उत्तराखंड में आए अशासकीय विद्यालयों में फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके काम का है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, ये वीडियो है, इसमें जिला पौड़ी गढ़वाल के कई सारे अशासकीय विद्यालयों में आए शिक्षकों के जो फॉर्म थे या जो वहाँ पर वैकेंसी थी, उनकी जो टॉप 7 की मेरिट लिस्ट लगती है, उन सब कैंडिडेट्स के इसमें नाम है। तो अगर इसमें आपका नाम है तो दोस्तों, इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन लास्ट प्रोसीजर आपका होता है। तो दोस्तों, अगर आपका इसमें नाम नहीं है लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि जो शासकीय विद्यालयों में शिक्षक कैसे नियुक्त होते हैं, तब भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि इसमें कितने मेरिट या कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो विद्यालय है, यह है इंटर कॉलेज कांडाखाल पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो श्रेणी है, EWS श्रेणी के यहाँ पर फॉर्म निकले थे और प्रवक्ता हिंदी के ये पद हैं। टोटल आवेदन जो यहाँ पर आए थे, 33 आवेदन आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 7 कैंडिडेट्स के नाम। तो यहाँ पर दोस्तों 68, 66, 66, 66, 65, 64 और 64 तक यहाँ पर जो गई है, मेरिट गई है। अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं, आपने MA किया हुआ है, प्रवक्ता हिंदी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली बार अगर किसी अशासकीय विद्यालय में फॉर्म आते हैं तो आप इसमें कितना सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर कट ऑफ। इसके बाद दूसरे यहाँ पर भी दोस्तों जो है, यहाँ पर इनसे कम नंबर वाले कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर आपको देखेंगे। जैसे कि उस लिस्ट में 66 तक नंबर थे, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 60 से लेकर यहाँ पर आपको 57 तक भी नंबर इसमें दिखेंगे। जबकि इसमें कुछ कैंडिडेट 66 वाले भी हैं, यहाँ पर 66 के कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, जो लगभग अभी नंबर हैं वो 66 के आसपास ही सबसे टॉप में चल रहे हैं, 68 और 66। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, सेम विद्यालय है, प्रवक्ता हिंदी और EWS कैटेगरी में, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 65, 62, 68, यहाँ पर 68 वाले कैंडिडेट भी हैं, 66 वाले आपको कैंडिडेट दिख रहे हैं सामान्य रूप से। तो लगभग अगर आप मेरिट का अनुमान लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि 66 तक अगर आपके प्राप्तांक बन रहे हैं गुणांक, तो आपका श्योर है कहीं होना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट। यहाँ पर अन्य विद्यार्थी जो हैं, 33 आवेदन हुए थे, तो ये पूरे 33 कैंडिडेट की लिस्ट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 59, 64, 62, 59, 60, ये दोस्तों यहाँ पर पूरे प्राप्तांक रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले विषय की ओर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे EWS में कुछ और आवेदन हैं दोस्तों, तो इस प्रकार जो इसकी जो टॉप 7 की कट ऑफ है वो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर 68 नंबर, 66, 66 और जो लास्ट गई है 64 पर गई है हिंदी के लिए और EWS कैटेगरी से। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, ये तो सेम जो PDF यहाँ पर डबल बार प्रोवाइड करवाई गई है, इसमें आगे चलते हैं हम। तो ये भी सेम जो PDF था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके बाद दोस्तों, जो अगला विषय है वो है प्रवक्ता समाजशास्त्र। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं EWS कैटेगरी में है, विद्यालय सेम है, 15 स्टूडेंट ने इसमें आवेदन किया था। तो अगर आप यहाँ पर प्राप्तांकों के लिए बात करें तो प्राप्तांक जो है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं जिनके प्राप्तांक हैं वो हैं प्रमोद पेनुली जी, जिनके 67 नंबर इसमें हैं टोटल। और इसके अलावा अगर आप अन्य नंबरों की तरफ देखें तो 62 नंबर, 62, 59, 57 और 57, तो लास्ट जो है वो 57 नंबर पर यहाँ पर मेरिट हुई है। तो अगर आप प्रवक्ता समाजशास्त्र के अभ्यर्थी हैं और कहीं अशासकीय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि इतने कैंडिडेट, इतने जो नंबर हैं उन पर किसी कैंडिडेट का टॉप 7 में नाम आता है। इसके अलावा जो टोटल कैंडिडेट थे, ये 15 कैंडिडेट थे, इनके नाम आप देख सकते हैं कि किस किस ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, तो ये उन 15 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इसके बाद चलते हैं अगले विषय की ओर। अर्थशास्त्र अगले विषय के रूप में यहाँ पे हमको दिखता है। इसमें दोस्तों कुल आवेदन आए थे 64, जिनमें से टॉप 7 कैंडिडेट्स के नाम आपको ये दिखेंगे। जो फर्स्ट कैंडिडेट है प्रीति पैनोली जी, इनके नंबर हैं 73.4। तो इसके अलावा जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं 73, 72, 69, 69, 68 और 67 तक, तो 67 तक जो है वो प्रवक्ता अर्थशास्त्र और श्रेणी सामान्य। तो इससे पहले की जो श्रेणियाँ थी वो EWS थी, जबकि ये सामान्य श्रेणी के हैं। तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं कि कितने नंबर पर कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें 54 जो पद आए थे, 54 जो आवेदन आए थे, उन आवेदकों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनके नंबर जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो टॉप 7 के नंबर थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगले विषय की ओर चलते हैं। अगला विषय है यहाँ पर भौतिक विज्ञान। जी दोस्तों, तो यहाँ पर भी कैटेगरी सामान्य है, स्कूल का नाम भी सेम है। यहाँ पर 63 आवेदन आए थे और श्रेणी सामान्य है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉप 7 नंबर, तो यहाँ पर जो पहले कैंडिडेट हैं अपराजित नेगी जी हैं 79.53, उनके टोटल योग बना है गुणांकों का। इसके अलावा यहाँ पर 78, 78, 77 एंड 76 तक आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स के नंबर मिलते हैं। तो अगर आप फिजिक्स से भी MSc किए हैं और किसी अशासकीय विद्यालय में अपना सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो आप इस नंबर को ज़रूर देख लीजिए कि इतने में कैंडिडेट के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 68 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, तो जिनके नाम ये लिखे हुए हैं और इनके गुणांक भी इसमें लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपका इसमें हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपका किस किस सब्जेक्ट में चयन हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 68 कैंडिडेट के ये नाम हैं जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था। इसके बाद चलेंगे अगले विषय की ओर। प्रवक्ता राजनीति विज्ञान का अगला विषय है। 82 इसमें आवेदन आए थे और श्रेणी सामान्य। तो यहाँ पर टॉप 7 कैंडिडेट जो हैं वो ये हैं, दीक्षा तोमर जी जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 70.96, इनके टोटल गुणांक बने हैं। जिनके सबसे कम गुणांक हैं वो हैं 67.15। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद इसमें लास्ट कड़ी बच जाती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद जिन कैंडिडेट के टॉप में नाम आता है उनका इसमें चयन हो जाता है। तो ये हैं उन 82 कैंडिडेट के नाम जिन्होंने प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के लिए फॉर्म भरा था विद्यालय राज इंटर कॉलेज कांडाखाल पौड़ी गढ़वाल में। तो ये हैं 82 कैंडिडेट के नाम, आप देख सकते हैं इनमें इनके गुणांक और इनके नाम आप देख सकते हैं। सहायक अध्यापक हिंदी यानी LT के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खीमाखेत पौड़ी गढ़वाल। तो सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर LT हिंदी के जो आवेदन आए थे 32 आवेदन थे। टॉप 7 के आप यहाँ पर अगर नंबर देखें तो 73.92 जो हैं टॉपर के हैं, और इसके बाद 65.38 तक यहाँ पर मेरिट गई है। तो अगर आप LD हिंदी के लिए किसी शासकीय विद्यालय में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो एक बार इन नंबरों को जरूर देखिएगा ताकि आपको अपना आकलन हो सके कि आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो 32 जो आवेदनकर्ता थे उनके नाम और उनके जो गुणांक है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले विषय की ओर। तो अगला विषय जो है वो है गणित। गणित में यहाँ पर ये LT का ही होगा क्योंकि ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो पद नाम गणित और ये होगा LT में 57 जो फॉर्म आए थे इसके लिए, और श्रेणी जो थी इसमें सामान्य श्रेणी थी। तो इसमें आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि इसमें जो टॉपर हैं उनके 76.36 जो गुणांक बन रहे हैं, और जो यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट हैं टॉप 7 में उनके जो गुणांक है वो हैं 74.02। तो ये सारे कैंडिडेट हैं जिनका इसमें टॉप 7 में नाम आया है। इसके अलावा अगर आप जो जिन 57 कैंडिडेट ने इसमें जो फॉर्म भरे थे उनके नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिनके जिन्होंने यहाँ पर गणित के लिए फॉर्म भरा था। इसके अलावा दोस्तों ये सारे कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SC कैटेगरी में ये फॉर्म आया था, और 41 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा था जिनकी टॉप 7 की मेरिट कुछ इस प्रकार है। अगर यहाँ पर आप टॉपर के मार्क्स देखेंगे तो 65.21 टॉपर के मार्क्स हैं, और लास्ट जो टॉप 7 में है उनके मार्क्स हैं 60.16। यहाँ पर 41 लोगों ने आवेदन किया था, आप देख सकते हैं 41 के नाम यहाँ पर आप जान सकते हैं। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान की ये लिस्ट है और अनुसूचित जाति से ये लिस्ट है। इसके बाद आएंगे प्रवक्ता हिंदी और विद्यालय है इंटर कॉलेज पोखरखाल। तो हिंदी का हमने इससे पहले भी इसमें देखा था दोस्तों, और हिंदी में यहाँ पर आए हैं 37 आवेदन। तो ये दूसरा विद्यालय है जिसमें सामान्य श्रेणी में फॉर्म आए थे। तो यहाँ पर टॉपर के मार्क्स अगर आप देखेंगे बिना नोटियाल जी 71.45 उनके मार्क्स हैं, और जो यहाँ पर 7 पोजिशन पे हैं उनका नाम है विपिन किमोठी जी 63.97 उनके मार्क्स हैं। तो टॉप 7 के आप नाम देख सकते हैं। इसके अलावा टोटल जो आवेदनकर्ता 37 आवेदनकर्ता थे उनके नाम और उनके नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंटर कॉलेज पोखरखाल में दूसरा जो पद आया था वो आया था प्रवक्ता राजनीति विज्ञान का, जिसमें 35 आवेदन आए थे। अगर टॉप 7 की बात करें तो यहाँ पर आप इनके मार्क्स देख सकते हैं 73.51 से शुरू होकर 63.29 पर यहाँ पर मार्क्स रुकते हैं, और कुल आवेदनकर्ता जो 35 व्यक्ति थे उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगले विषय की ओर चलें। तो अगला विषय है प्रवक्ता अर्थशास्त्र इंटर कॉलेज पोखरखाल में। इससे पहले भी आपने अर्थशास्त्र में प्रवक्ता के जो पिछला स्कूल था उसमें भी देखे थे। यहाँ पर जो गुणांक हैं सामान्य श्रेणी में 72.76 से शुरू होके 65.24 पर यहाँ पर ख़त्म होते हैं टॉप 7 के जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स, और बाकी आवेदनकर्ताओं के आप यहाँ पर नाम और गुणांक देख सकते हैं। तो अगर आपका टॉप 7 में नाम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो टॉप 7 में नाम नहीं आया होगा तो अन्य लिस्ट में आपका नाम होगा। इसके अलावा अगर आप LT गणित की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में यहाँ आपको नंबर दिख रहे होंगे 76 से लेकर 72 तक यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर हैं
इसके अलावा जो 54 आवेदनकर्ता थे उनके नाम और उनके नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य विषय में बात करें तो ये सारे गणित के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया था। प्रवक्ता हिंदी, इंटर कॉलेज जामना खाल एक नया विद्यालय मतलब अगला विद्यालय है जिसमें हिंदी के लिए सामान्य में यहाँ पर 47 लोगों ने आवेदन किया था। अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो 80 से लेके 66 तक गई है टॉप 7 कैंडिडेट्स की। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे किन किन ने यहाँ पर आवेदन किया था तो ये उन सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं। यहाँ पर 47 कैंडिडेट हैं जिन्होंने हिंदी के लिए यहाँ पर आवेदन किया था। एक और विषय यहाँ पर है दोस्तों, सहायक अध्यापक विज्ञान यानी LT साइंस के लिए यहाँ पर 27 कैंडिडेट ने आवेदन किया था सामान्य श्रेणी में। और जो टॉप 7 कैंडिडेट हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 75 से स्टार्ट होकर ये 69 तक जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो 27 कैंडिडेट थे इनके नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर लिस्ट होती है वो खत्म होती है। तो दोस्तों इस लिस्ट से आप ये आकलन लगा सकते हैं कि अगर आप शासकीय विद्यालय के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका चयन हो सकता है या नहीं। अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों हमारे चैनल जोश मेंटर पर बने रहिए। हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है कि जो अशासकीय विद्यालय होते हैं उसमें फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस होती है, और यहाँ पर जो अन्य जानकारियाँ जैसे कि आप कैसे गुणांक का आकलन लगा सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म प्राप्त करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उन सब के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।